मैंने जो है गाड़ी बुक किया था और फाइनली उसका आज कॉल आ गया कि सर आपकी गाड़ी ट्रांजिट में है, आप 4-5 दिन के अंदर आकर के डिलीवरी ले सकते हैं। गाइज हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, इंस्टेंट कॉफ़ी। यला भाई, इसके साथ बिस्किट है, बिस्किट खाओगे? ये रहा बिस्किट, ये रही मेरी कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी हमने आपको दिखाया कैसे हमने तुरंत तैयार कर ली। अब हम आज कॉफ़ी और बिस्किट अभी नाश्ता करेंगे, फिर कुछ बनाएंगे खाएंगे, फिर आज दिन भर एंजॉय करेंगे। घर में बैठना एकदम बैचलर जैसी लाइफ आजकल हम लोग जी रहे हैं। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस अब मैं गया था चाकू लाने के लिए, क्योंकि किचन के हमारे चाकू टूट गई थी। ये देखिए, ये मुंबई की ट्रेडिशनल चाकू है। जितने भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स वाले हैं या रेस्टोरेंट्स में हैं, इसी तरह चाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें उसने बताया धार की कमी है, इसको धार लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है कि कौन किसको कहाँ ढूंढूँ मैं। तो गांव में जैसे मैं देसी तरीके से खेतों के लिए कुल्हाड़ी में और उसमें सब में धार लगाता था, जितने भी और टूल्स होते हैं खेती बाड़ी वाले, उसी तरीके से इसमें भी अभी लगाने चल रहा हूँ। एक पत्थर लेता हूँ, उससे लगाता हूँ। ये पत्थर है, उसको पहले मैं थोड़ा सा गीला कर रहा हूँ ताकि इसका सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस है इसमें दरारें हैं, इसी से ही आती हैं। अभी इसको हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे। गाइज इसको जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जो है घसीटना चाहिए। अगर ऐसे लाए ऐसे वापस कर दिए तो इसके धार आगे से फिर से मुड़ जाएगी। ये देखिए ऐसे करके ऐसे फिर जो है रिटर्न करना। ये देखिए गाइस, हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, इसको हम काटते हैं। मक्खन की तरह कट रही है। गाइस कमेंट करके बताइए कि हमारा ये देसी जुगाड़ आपको कैसा लगा मुंबई शहर में, क्योंकि हम तो गांव के आदमी यार, ये सब तो पता ही है, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अब खाना आज बनाना है, कुछ खा लें पहले, फिर बात करेंगे हम लोग। तो हे गाइस, ये देखिए आज हमने कुछ नया ट्राई किया है, सबसे लाइफ में पहली बार, पता नहीं कैसे बनेगी। ये देखिए हमारी पूड़ी बन रही है, आज हम लोग पूड़ी बनाएंगे। अब मेरा भाई देखो कैसे बढ़िया बेल के छोटी छोटी पूड़ियां बना रहा है, देखो अच्छी है कि नहीं, गोल मटोल। सो गाइस इतनी खूबसूरत पूड़ियां, मैंने नहीं सोचा था कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ये बन पाएगा। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी पूड़ियां एकदम बनी हुई है, वाह, खुद को भी देख के अच्छा लगता है कभी कभी। अकेले की जिंदगी बिना ऐसा लग रहा है सच में हम लोग सेफ बन जाएंगे। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा गाइस, बचे हुए तेल का मैं क्या करूं, क्योंकि ये है रिफाइंड ऑयल और अब इसका कुछ यूज़ हो सकता है या वेस्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए।
अमित भाई अपना खा रहा है, तो कैसे लगी पूड़ी भाई अपनी, कैसे बनी हमने? अभी मैं भी खाऊंगा, उसको भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए वो पहले खा ले रहा है। आगे गाइस जाना है, अभी एक शॉवर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश होऊंगा, शाम हो गई है, खा करके इत्मीनान से फिर बैठेंगे। फिर आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, कुछ शेयर करना है, फिर आपको देख बताता हूँ कुछ नई चीज़ें आज कुछ हमारे साथ एक्साइटिंग जो हुआ है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। हम लोग नहा धो के एकदम खाना वाना खा करके शाम को आ गए हैं, बैठते हैं गार्डन में। हमें तभी शायद कमरे में ही आया नहीं है, तो एक मैंने जो है गाड़ी बुक किया था और फाइनली उसका आज कॉल आ गया कि सर आपकी गाड़ी ट्रांजिट में है, आप 4-5 दिन के अंदर आकर के डिलीवरी ले सकते हैं। तो मैंने अभी तक घर में किसी से शेयर नहीं किया है, वो गाड़ी है मेरी टाटा टिगोर एक्सजेड मॉडल CNG। मैंने उसको बुक किया था दोस्तों 4 मार्च को, और आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फाइनली मुझे 2 महीने में इसका कॉल आ चुका है। मैंने 5100 रुपये की बुकिंग में ही इसको बुक करवा लिया था, और मुझे वाइट कलर और ब्लू कलर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिए कि कौन सा कलर मैं लूँ, क्योंकि एग्जेट प्लस में थोड़ा सा कॉस्ट भी ज़्यादा आ रहा है, और आप इसका कहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना करके दे दूँगा कि मैंने एग्जेट प्लस नहीं लिया, एग्जेट मॉडल ले लिया। तो आज बहुत अच्छा लगा गाइस जब हमें कॉल आया दोपहर में, क्योंकि दिन में बहुत सारे कॉल्स थे, आज बात किया कई लोगों से, और काम भी बहुत करना होता है क्योंकि यूपी में हमारा ट्रांसपोर्ट का भी काम है, और उसको ऑपरेट करने के लिए अभी यहाँ मुंबई में जब से आया हूँ तब से सिर्फ कॉल के थ्रू ही हमें अटेंड करना पड़ता है सब। तो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो हमारे लिए है। बाकी अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से जल्दी ही निकलें, और जा कर के सबसे पहले अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेता हूँ और घर पर सबको सरप्राइज़ देता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी को मैंने शेयर नहीं किया है। तो बस कुछ नहीं, आज के दिन का शेड्यूल काफ़ी टाइट रहा, बहुत सारी कॉल्स की वजह से दिन भर जो है सबसे बातें करते रहे। और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो करने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि मुझे लगता है 2022 में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं हमारी लाइफ में, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट हमारा एक साल ऐसा चला गया कि वो शायद ना बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी शेयर करना अच्छी बात नहीं है। तकलीफ़ें क्या जाहिर करना, खुशियाँ जाहिर करना एक अलग उसका मज़ा होता है। अगर कुछ नहीं, बस बैठे हैं, शाम का वक्त है और अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो कल फिर हम लोग एक ब्लॉग शूट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि मैं आपको नया दिखाऊँ, क्योंकि आजकल मैं जब से घर में हूँ कुछ अच्छा है नहीं हमारे पास, क्योंकि समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है, और मैं हूँ एक मेरा फ्रेंड है, दोनों जो है शरारतें करते रहते हैं दिन भर आपस में, खाना बनाते हैं खाते हैं, और आज जो पूड़ी बनी थी ना उसका कोई जवाब नहीं, बहुत मज़ा आया खाना खा करके भी, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून से सोना खाना रहना ये भी बहुत एक्साइटिंग होता है। कुछ नहीं गाइस, मिलते हैं हम लोग कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए रखिए, और हमें देखते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।